अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। बड़े दिन मैंने भी शोर मचाया, इधर उधर हर जगह पर शोर मच रहे थे एयरपोर्ट ओपनिंग के, और अंदर की न्यूज़ यही थी कि एयरपोर्ट जो हैं वो खुल जाएंगे। उसकी अनाउंसमेंट जो होनी थी वो अगले वीक से होनी थी, यानी आज जुमे रात है तो अगले वीक से एयरपोर्ट ओपनिंग की जो है वो न्यूज़ होनी थी किसी एक दिन जो है, मोस्ट प्रोबेबली आई डोंट वांट से दैट। तो उसको डिले कर दिया गया है। उसकी कुछ रीज़न थी, एक तो ये रीज़न थी कि अभी लॉकडाउन बहुत सारी जगहों पे मार्केट्स ओपन की हैं, बहुत सारी जगहों पे लॉकडाउन खोला है, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज भी 1067 केसेस हैं, 1067 केसेस रिपोर्टेड टुडे ऑन June 11। तो उसकी वजह से जो है ना अथॉरिटीज़ ने डिसीजन किया है कि अभी कुछ दिन और वेट करेंगे। अगर चूँकि केसेस कहीं बढ़ते हैं तो वर्ल्ड जो है, यानी WHO और बाकी UNO और बाकी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, पूरी दुनिया जो है वो फिर ममालक को फोर्स करती है कि भाई आपके जो है ना केसेस इतने बढ़ रहे हैं और आपने ऊपर से बॉर्डर भी सारे खोल दिए, तो प्लीज़ डोंट डू दिस एंड पुट बैक लॉकडाउन। जिस तरह पाकिस्तान में अभी हुआ है कि केसेस जो 1 लाख से जो है ना 1 लाख यकदम हो गए, 9,000 कुछ केसेस आए, 1 लाख पहुँच गए, अभी 3 दिन बाद जो है 1,12,000 हो गए, यानी थाउजेंड्स में डेली केसेस आ रहे हैं। तो वहाँ पर भी WHO ने बोल दिया है कि लॉकडाउन जो है उसको लगाया जाए और मुमकिन बनाया जाए कि वाकया ही लॉकडाउन लगाए। ये नहीं है कि तंबाकू ही है, यहाँ उन्होंने बोला है तंबाकू नहीं चलेगा, आपको उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट और शहनशाह इमरान खान साहब क्या करते हैं, और उनके जो बाकी गवर्नमेंट है, या एक्चुअली गवर्नमेंट ने क्या है, उन्होंने तो कर देना है, डिपेंड तो करता है पब्लिक पे। जब पब्लिक ही वो तंबाकू समझेगी बातों को तो फिर हालात कैसे ठीक होंगे। तो ये रीज़न है कि ज़्यादा कारोबार ओपन करने की वजह से और मार्केट्स ओपन होने की वजह से बाकी जगहों पर भी कई जगहों पर लॉकडाउन ख़त्म किया गया, इवन के सलाला दुकम में लॉकडाउन कर दिया गया है। तो वो सारा जो है यही रीज़न थी कि पहले देखेंगे, कुछ दिन ऑब्ज़र्व करेंगे कि केसेस की तादाद क्या है, क्या सूरत हाल है केसेस की। ये सब होने के बाद जब लोग बहुत ज़्यादा मार्केट में आए जाएंगे तो चांसेस हैं केसेस जो हैं मज़ीद बढ़ेंगे। जब केसेस बढ़ेंगे, यहाँ से आपको पता है 700-800 तो नॉर्मल बन चुके हैं ओमान में, अब डेली 1 हफ्ते से 700-800 केसेस आते हैं, आज 1067 आए, तो ये मज़ीद बढ़ने के चांसेस हैं। इसलिए अगर ज़्यादा बढ़ते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ जो हैं हेल्थ की, स्पेशली WHO, वो फोर्स करेंगी दोबारा से लॉकडाउन करो, ताकि कम से कम जो है ये कोरोना फैले और कम से कम नुकसान हो, कम से कम लोग जो हैं अपनी जान से हाथ धोएं या बीमार हों। तो इसको पेश नज़र रखते हुए एयरपोर्ट को जो है बंद किया गया है, एटलीस्ट चलो एक जो है इंटरनेशनली मूवमेंट जो है वो बंद हो जाएगी। अगर होता भी है कुछ तो कंट्री के इनसाइड ही रहेगा, जिस तरह के इंटरनेशनली ड्यू टू बाई लैंड भी लोग इधर से उधर मुंतकिल हुए थे चाइना से और बहुत सारी कंट्री से, क्योंकि बहुत सारी कंट्री में नहीं था, बाहर के ममालिक से लोग आए या उन ममालिक से लोग आए जहाँ पर ये कोरोना था, तो वो साथ रहा है, कुछ मरीज़ थे इधर, फिर आके फैलता गया इस तरह। तो एयरपोर्ट्स को जो है इसलिए अभी बंद किया गया है कि तो अभी जल्दी नहीं खोलेंगे, और आने वाली डेट्स हैं वो भी जल्दी होंगी इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से जो न्यूज़ हैं वो यही हैं कि जून के एंड में या जुलाई में जो है अब एयरपोर्ट खुलेगा। सो जितने भी लोग प्लान कर रहे हैं कि जून में एयरपोर्ट खुलेगा, उनके लिए मैं कहूँगा कि अगले 10 से 15 दिन जो है प्लीज़ बी पेशेंट, सब्र के साथ इंशाल्लाह हिम्मत रखें। जून के एंड में हमें न्यूज़ मिलेगी या जुलाई के जो है स्टार्ट में जो है इंशाल्लाह एयरपोर्ट ओपनिंग की खबर आएगी। सो मुझे दें इजाज़त, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।